പിന്നെ ദേരെ മുഹമ്മദ് സക്കറിയ മുഹമ്മദ് സക്കറിയ അന്തേ ഖാൻ പേസർ ജി സ്കൂൾ ഖാനിങ്ങ ഉസ് കശിക് ദാ കി ഖാനെ ജിയോ ഹാ അഗർ സ്കൂൾ അസ് ദാടെ മരേ തോ ഖാനോസ് ജിയോ തോ ദക്ക ചുനാ കോ മുകുൽ ഖാൻ പേസർ കുൽ മരി ഖാനോസ് അച്ഛാ ബാബാ നീ ഖാനിങ് ബഡിക് ഹോ തോ അന്തേ ഖാൻ പേസർ സ്കൂൾ स्कूल मारो गुड़ा खानोस हाँ खाना है मार खान खान मसड़ खाना खान खाना है मार खान खान मसड़ खाना मेड़ के चंगे चाल दे डगारा मेड़ खाना मेड़ के चंगे चाल नाजरीन आज सोनारा ज़िला खुजदार के कबायली बच्चों की पुकार पर हम कराची से निकले हैं। सोनारा के पहाड़ी इलाके में कोई स्कूल नहीं है। वहां से हमें व्हाट्सएप पर पैगाम आया कि हम उस इलाके का विज़िट करें और उनके मसाइल पर वीडियो प्रोग्राम बनाएं। मैं इस वक्त लसबेला के इलाके से दिन के 1 बजे के करीब गुज़र रहा हूँ। सख्त गर्मी और लू से मेरा सारा बदन जल रहा है। इससे पहले मैंने विंदर टाउन में छोटा सा ब्रेक लिया था। संगता पेश तंगानुन वल्ला पेन सफर से या तो दाड़ विंदर अटी सर मसनुन विंदर अटी ना तेना मखलू के कौमी को जतका को हमफ्ता बसनुन चांस कशनिया संपत दा संगता को नना गुलमामन जतक साबे दा कौमी को नना चा मानने कुन फेनु दासा अल्लाह खैर के पेशेंस कान तेरा हेलीकॉप्टर या फेनुन खुजदार ज़िला के पहाड़ी इलाकों में दाखिल होते ही मौसम खुशगवार महसूस होने लगा। सुबह 8 बजे कराची से निकला था और तकरीबन 260 किलोमीटर का सफ़र मोटरसाइकिल पर तय करके शाम 6 बजे के करीब सोनारा पहुंच गया हूं। लंबे सफ़र ने थका दिया है और रात को आराम करके सुबह को ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। इस वक्त मैं खड़ा हूं मन सोनारो किली अमीर बख्श में। ये बच्चे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बच्चे तालीम से महरूम हैं क्योंकि इस इलाके में कोई इनके लिए स्कूल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कितने बच्चे हैं और कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं इस इलाके के, जिनको बलूचिस्तान में तालीम नहीं दी जा रही है। तो ये हुकूमतों का काम है, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, कि मुख्तलिफ इलाकों में उन बच्चों के लिए स्कूल कायम हो। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि इतने सारे बच्चे, ये तो एक किली के हैं, इस तरह बहुत सी यहाँ किलियाँ हैं। यहाँ ये जो पहाड़ी इलाका है इसमें बहुत सी किलियाँ हैं जहाँ बच्चे बग़ैर तालीम के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ। जी आप अपना तारुफ कराएं। जी मेरा नाम इलाही बख्श है। ये यहाँ किली है, ये किली अमीर बख्श महमूद जई मंद सोनारो के इलाका। अच्छा, ये इलाका इसको मंद सोनारो कहते हैं। ये मंद सोनारो। तो कितनी किलियाँ होंगी आपके यहाँ पे? सर ये बहुत किलियाँ है। अच्छा, ये एक किली है, इसके पीछे भी किली है, इससे ज्यादा बहुत किली है। ठीक है। जो बच्चियाँ जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसको यहाँ पे न स्कूल है न कोई चीज इंतजाम नहीं है। ये सबको पढ़ने का ही शौक है, लेकिन अच्छा। ये आपके सामने स्कूल के लिए कभी आपने दरख्वास्त दी, कभी रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट को या इदारों को? कई दफा हमने दे दिया है, कई अच्छा। दफा, लेकिन यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है। कई दफा गवर्नमेंट को लोग से अभी ये कहता हूँ, ये बच्ची है हमारी है, इसकी जिंदगी हैवानों की तरह गुजर रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, इनसे दरख्वास्त करते हैं कि इन बच्चों को तालीम जैसे जेवर से महरूम न करें। ये हमारे बच्चे हैवानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन कम से कम 100-150 किले है। अच्छा, 100-150 किले। हर किले में तकरीबन इतने से बच्चे होंगे। ये पूरा सोनारो का तकरीबन 2500-3000 का आबादी है, इसमें एक प्राइमरी स्कूल है। पूरा यहाँ से वो भी 10-12 किलोमीटर हमसे दूर है, तो छोटे बच्चे नहीं जा सकते क्योंकि कोई रास्ता वगैरह नहीं है। रास्ता भी नहीं है, बहुत दूर है यहाँ से। अगर ये सुबह निकल जाए तो शाम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, इतना मतलब पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता। मेरे बहन का वो स्कूल अंदर की स्कूल तेरन में खानुस अंदस मरुस डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर्स मनी ख्वाहिशा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अली नियम खानी ख्वाहिशा
کنا زیبلا مسڑ ماشاءاللہ اسکول اس مری نی خوانوس ہاں نیم خوانوس نیم خوانوس ماشاءاللہ کنا پوجی نا اسکول سیت بنن کانی نی خوانی خوایس ہاں خوانوس انتس مروس ڈاکس ماشاءاللہ ماشاء जी मैं इस वक्त मंद सोनारा के इलाके में हूँ। एक बहुत सी किलियाँ हैं, 100 से ज़्यादा किलियाँ हैं इस इलाके में, और ये रास्ता है एक ख़तरनाक रास्ता है। यहाँ से जो है बरसाती नदी जा रही है और उसके किनारे किनारे मोटरसाइकिल पे ये गुज़र रहे हैं, और आगे इस तरह की सूरत हाल है कि मोटरसाइकिल को ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। जी आपका नाम क्या है? जी हमारा नाम मोहम्मद करीम। मोहम्मद करीम, ये आप ख़तरनाक रास्ते से आ रहे हैं, तो क्या रास्ता वगैरह नहीं है क्या? जी कसर भी नहीं है ना कसर ना हकीकत धंधा दी असी भी रंदू ने यक यानी असी बंदा धड़ फिंके ना इरा बंदा ना डबल भी बनी कपन है असी बंदा भी बड़े खंदो नत खाली सके हकीकत कसर भी ना हंदा दे भाज बेवड़ी। अच्छा आपका कभी मरीज हो तो उसको कैसे फिर ये आप रोड तक ले जाते हो? हम कंधे पे रखे हो उतरता है और क्या करेगा, कंधों पे ले जाते हो क्या करेगा भाई? अच्छा दो आदमी पकड़ के कंधों पे ले जाते हो? अब दो आदमी से पकड़ कभी चार आदमी से इस तरह ये ले जाते। तो देखें जी ये इलाका है, वैसे तो ज़बरदस्त खूबसूरत इलाका है, लेकिन इसका बुनियादी मसला तालीम के साथ साथ बुनियादी मसला रोड का मसला है। ये यहाँ पानी होता है तो फिर तो आप यहाँ से गुजर नहीं सकते? नहीं सर, दो तीन घंटे तक हम मुश्किल के साथ खड़े होते हैं। अच्छा बड़ी तकलीफ होती है यानी आपको? दोस्तों थक गया हूँ। मंद सोनारो ये खुजदार का इलाका है, उसमें यहाँ किलियों में मैं गया हूँ गांव में, और वहाँ से मैं लौटा हूँ। तो ये नदी इस वक्त पानी नहीं है, ये नदी खाली है, तो ये नदी के अंदर से लोग आते हैं, और यहाँ से एक बहुत बड़ी चढ़ाई है। अभी वहाँ से इस चढ़ाई पे अभी मैं पैदल चढ़ रहा हूँ, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले ये इतनी बड़ी ख़तरनाक चढ़ाई है कि मोटरसाइकिल वाले किया है सिर्फ अपने एक बंदा मोटरसाइकिल ज़बरदस्ती चढ़ाता है। तो हम लाजमी इन पहाड़ों के आदि नहीं हैं, तो सांस फूल रही है मेरी, इंतहाई ख़तरनाक चढ़ाई है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, इस एक तरफ से बहुत बड़े पहाड़ हैं, दूसरी तरफ से नदी है, और ये लोग बेचारे नीचे खड़े हैं, बिल्कुल मोटरसाइकिल वाले नज़र आ रहे हैं, अभी ये ऊपर आएंगे। ये है इन बेचारों की ज़िंदगी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। कुछ दोस्त और कुछ लोग आ रहे हैं। और ये कुआं है, ये लोग हैं दे ये जनाब, ये हमें कोई बताए ये क्या क्यों इसको आपने बंद किया है? सर इसको बंद किए इस मजबूरी से हाथ से नहीं निकलता है, 90-100 फुट इसका पानी नीचे है और इसको हाथ से लगाए अभी नहीं निकल सकते, अभी इसको बंद किया है कि कोई जानवर इस पर नहीं जा सके। अच्छा जाएगा फिर बंद हो जाएगा, इसका पानी गंदा हो जाएगा ना। तो अभी कितने कितना कितने तक लगाया हुआ है? 90 फुट तक पहुंच गए। पहुंच गया है जी। लेकिन पानी क्या अभी ज्यादा लगाना चाहते हो या इसको पानी निकालने में आपको पानी इसमें बहुत है अल्लाह शुक्र है, निकालना मुश्किल है। अच्छा तो क्या होगा कि आसानी से निकलेगा? सर शमसी हो जाए फिर मशीन हो जाए कोई सूरत आसानी से निकले। अच्छा अगर इसमें शमसी प्लेट वगैरह लग जाए और ये मोटर लग जाए तो फिर आसानी से निकल जाते हैं, नहीं तो 90 फुट पे आप निकालना मुश्किल है क्या? इसको बंद किया सर नहीं। अच्छा सही, गांव वाले कितने पानी के लिए परेशान है, लगाया निकल नहीं सकते। अच्छा तो अभी फिर पानी कहाँ से पी रहे हो?
अभी उधर से थोड़ा खड्डा लगा है, उससे गुजारा चल रहा है। अच्छा, खड्डे से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए पानी का कोई कुआं नहीं है, सिर्फ यहाँ एक छोटा सा खर्चा हो, शमसी लग जाए, शमसी लग जाए तो आपका ये पानी का मसला हल हो सकता है।